एवरी वन सो वेलकम टू लेक्चर एट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ठीक है सो so, आज का लेक्चर बेसिकली का आपका इंट्रोडक्शन होगा जो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम कवर करेंगे प्राइमरली जो हमारा एनशियट और मिडीवल परस्पेक्टि से मुगल्स का जो रहा है ठीक है दिल्ली सल्तनत तो वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो so, ओके okay. ठीक है सो विल बी क्लोजिंग बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के लेक्चर्स में कि क्या ऐसे यूएसपी थी जो आपके मुगल्स uh, के टाइम से पहले या दिल्ली सल्तनत में जब इस्लाम बेसिकली आया था इंडिया के अंदर तो ऐसे कौन से ट्रेड्स थे जो कि इंट्रोड्यूस करे गए थे ठीक है एज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड कल्चर ठीक है सो इन ट्रोडेस लेक्चर विल बी जस्ट कवरिंग द ओवर एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपका बेसिक जो दिल्ली सल्तनत है वो हम स्टार्ट करेंगे ठीक है सो इन ट्रोडेस लेक्चर इट्स बिट इट्स द कंटेंट फॉर द डे इज इंट्रोडक्शन टू मिडीवल आर्किटेक्चर ठीक है तो मिडीवल आर्किटेक्चर आपके ओवरऑल अगर आप अम्ब्रेला टर्म की बात करो तो बेसिक बाइफिकेशन है आपका ट्रेबियाड स्ट्रक्चर एंड आर्क्यूज स्ट्रक्चर ठीक है मोटा मोटा बात यह है कि एंशियट के टाइम पे जो आपके ऐसे हॉरिजोंटल दरवाजे वगैरह होते थे उस स्ट्रक्चर से हमने मूव करके आपके जो ऐसे ट्राइंगुलर टाइप जो स्ट्रक्चर हैं वो प्लस आपके जो डोम स्ट्रक्चर थे इंटरनल डोम बनते हैं ना ठीक है न, तो ऐसे अंदर से बड़ा सा ठीक है जैसे हमने अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आप इंटरनली अगर आप कहीं विजिट करते हो तो अंदर से बाहर की साइड इनसाइड आउट डोम बनता है पूरा है ना और उस पर अच्छे से आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं तो आर्क्यट स्ट्रक्चर के अंदर मिडीवल टाइम्स के अंदर आपके ये वाले जो चेंजेस थे वो ऑफर करे गए थे ठीक है सो एंट्रेंस हैड अ वेरी एंट्रेंस हैड आर्किड्स एंड रूफ हैड डोम तो ये आपका आर्कुट के अंदर था इसके अलावा जो अभी तक हमने एंशियंट के अंदर पढ़ा जो आपके आ, स्तूपास कह लो ठीक है स्कल्पचर्स कह लो उन सब चीज़ों में हमने जो समझ समझा था उसमें ये था शिखर और विमान है ना नागरा स्टाइल के अंदर हमारा शिखर था और आपका जो द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल था उसके अंदर विमान था तो इसकी जगह अब आपके पास मीनार आ गई मीनार है ना इसमें मिडिवल टाइम के अंदर जब हम Uh, जैसे, जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस तो ये बेसिक आउटलाइन है इसके अलावा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर हम जो प्राइमरी डिफरेंसेस थे क्या प्राइमरी डिफरेंसेस थे जैसे कोफ़ी ठीक है देन यू हैड अरबेस्की ठीक है देन द दे वेरी फेमस जाली वर्क तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक आउटलाइन हम बेस को टच करेंगे और बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे तो स्लेव पीरियड खिलजी पीरियड तुगलक पीरियड इन्होंने क्या क्या, -क्या चीज़ें स्टैब्लिश करी ठीक है क्या क्या ये अपने साथ अपना यू एस पे आर्किटेक्चर लेके आए वो सब डिस्कस करेंगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन द वेरी फर्स्ट इज द डिफरेंस इन मेडिवल आर्किटेक्चर क्योंकि अभी तक हमारा पूरा एंशियट चल रहा है हमने लास्ट होशाला टेम्पल डिस्कस करा था आपका टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ में ठीक है सो so, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारा द डिफरेंस बिटवीन ट्रैबियड स्ट्रक्चर एंड आर्कोइड स्ट्रक्चर ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैबिय स्ट्रक्चर वॉज प्राइमरीली इन योर एंशियट पीरियड और आर्कुएड स्ट्रक्चर आपका है मिडिवल पीरियड का राइट नाउ ट्रैबियड स्ट्रक्चर जो रहा है आपका दिस इज बेसिकली एन एंट्रेंस एंड रूफ वॉज लिंटर लिंट मतलब आपकी स्ट्रेट होती थी या तो रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी ठीक है तो आर्कुड स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ बदली आपकी एंट्रेंस हैड आर्किड ठीक है मतलब एंट्रेंस uh, पर आपका अच्छे से एक डिज़ाइन होती थी, थी प्रॉपर जैसे होते हैं खिड़की दरवाजे ऐसे प्रॉपर बनाए जाते हैं और इस पर फिर आपके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं ठीक है सो द एंट्रेंस हैड आर्किड्स एंड द रूफ हैड डोम तो ये आपका प्राइमरी यू है इसके अलावा एंशियट टाइम के अंदर जो हमारा uh, ट्रैबियट स्ट्रक्चर है इसमें आपका द प्रेजेंस ऑफ शिखर इन विमान थे इन रिलीजियस बिल्डिंग्स ठीक है और जो कि एंशियट मिडिवल टाइम के अंदर आते आते आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में मीनार का प्रेजेंस स्टार्ट हो गया ठीक है अब अगर आर्किटेक्चरल या कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की बात करूँ तो प्राइमरीली जो यूज़ हुआ था जो हमारे आ, नागरा स्टाइल था उसके साथ साथ आपका जो द्रविडियन स्टाइल था द्रविडियन स्टाइल ऑफ़ टेम्पल इसके अंदर आपका प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल था दैट वाज योर स्टोन ठीक है स्टोन वाज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बट मिडिवल टाइम्स के अंदर इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर आपके ब्रिक लाइमस्टोन एंड मोटार वाज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो दिस वॉज द ट्रांजेक्शन ठीक है फ्रॉम स्टोन टू ब्रेक स्लाइम स्टोन एंड मोटर ठीक है नाउ कमिंग टू द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोडक्शन बेसिकली तो जो प्राइमरी फीचर्स थे दीज आर द प्रेजेंस ऑफ आर्क एंड डोम्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये इस्लामिक जो आपके आर्किटेक्चर था डिज़ाइन था उसमें आपका आर्क एंड डोम मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज इंट्रोड्यूसड ठीक है द बिगनिंग ऑफ यूज़ ऑफ ग्रेस एंड स्टोन रेड्स एंड स्टोन एंड व्हाइट मार्बल इन कंस्ट्रक्शन तो एज वी ऑल नो व्हाइट मार्बल हमें पता है द वेरी फेमस ताजमहल ठीक है रेड स्टोन आपका रेड फोर्ट है ना प्राइमरी एग्जाम्पल्स के तौर पर तो आप ये देख सकते हो कि जो कलर्स के हिसाब से आपके स्टोन्स थे या जो कंस्ट्रक्शन का जो मेटीरियल था वो बहुत ज़्यादा डिफर कर गया था एज कम्पेयर टू या एंशियट टाइम जिसके अंदर आपका जो नागर स्टाइल और द्रविडिन स्टाइल थे उसमें ठीक है सो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रे स्टोन रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल नेक्स्ट राइट इन द बिगनिंग दे डिमोश्ड एंड कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर्स ठीक है हिंदूज के साथ साथ आपके जैन आर्किटेक्चर्स भी थे वो पहले डिमोलिश करे गए बिकॉज एज पर दे बिलीव इस्लाम के अंदर ह्यूमिनिटीज एज फॉर्म ऑफ गॉड को प्रेस करना या उनको प्रे करना वॉज नॉट एक्सेप्टेबल तो फर्स्टली दे डिमोलिश्ड ठीक है द एग्जिस्टिंग द पिलर्स एंड एवरी थिंग एंड देन दे बिल्ड देयर ओन आर्किटेक्चर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर्स ओवर द डिमोलिश्ड प्लेस ठीक है ना ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव वॉज अवॉइडेड इन इस्लामिक स्ट्रक्चर एज द आइडियल वर्शिप इज़ नॉट प्रैक्टिस ठीक है तो मतलब हर एक रिलिजन अपने एक सेट ऑफ रूल्स कंस्टेंट और uh, uh, मतलब कंस्टेंट के साथ या एक अपने फीचर्स के साथ आता है तो इन इस्लाम इट वॉज वेरी वेल नोटिसड और कन्वेड कि भाई जो इंडिविजुअल वो है ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन जो है आइडियल वर्शिप के तौर पर जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं हिंदू हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तो दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम ठीक है ना द मैथड ऑफ डेकोरेशन वॉज तो सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी द एंगुलराइज द पर्शियन स्क्रिप्ट विच केम टू बी नोन एज कूफी के यू एफ आई इट वॉज यूज फॉर राइटिंग द कुरानिक वर्सेज ऑन बिल्डिंग तो ये उसका एक एग्जाम्पल है ठीक है फॉर यू यू मस्ट नो द बिगनिंग ऑफ कूफी स्टार्ट फ्राम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है और इसमें बेसिकली होता है क्या है कुरान के वर्सेज होते हैं जो कि हम बिल्डिंग्स uh, पे लिखवाते हैं ठीक है द सेकेंड टाइप ऑफ बेसिकली method ऑफ डेकोरेशन द वेरी फर्स्ट इज your Kufi, द सेकेंड इज़ योर अरबस्की ठीक है अरब ठीक है So इन दिस वॉट हैपन्स इज अरब method मेथड ऑफ़ डेकोरेशन वॉज It इट इज़ अ के कैरेक्टरिस्टिक्स बाई कंटिन्यूस रनिंग स्टेम एंड सिमिलर आइडेंटिकल लीफी स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टेम ठीक है तो ये तुम देख सकते हो देखो ये जैसे एक टाइल है तो इस पर ऐसे प्रॉपर लीफ का बना के इस मतलब ऐसे स्टेम बनाया बीच में और इसके दोनों तरफ फूल से उगा दिए सो इस डिज़ाइन को इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को कह लो या फिर ये डेकोरेशन का जो मेथड है इसको कह लो दिस इज़ नोन एज अरबस की ठीक है तो फर्स्ट वाज योर कुफी ठीक है सेकंड वाज योर अरबस की ठीक है ये फोटो भी चुप गई है देन द थर्ड वाज इंट्रोड्यूज एज जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस ठीक है जो जैसे हमने देखेंगे बेसिक जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है जैसे स्क्वायर बना दिया ट्राइंगल बना दिया ठीक है एक ऐसा स्टार सा बना दिया राइट तो ऐसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के आपका इंट्रोडक्शन भी इंडो इस्लामिक फ्यूजन के दौरान हुआ था इंडिया में ठीक है नाउ फोर्थ वन इज योर पिएत्रा ड्यूरा ठीक है पी आई ई टी आर ए ड्यूरा सो द पिएत्रा ड्यूरा मेथड ऑफ डेकोरेशन इज यूज्ड इन दिस डिजाइंस आर क्रिएटेड एंड इन द डिजाइंस प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड कलर्ड मार्बल्स वर पेस्टेड ठीक है तो ये देखो जैसे ये वाइट मार्बल के ऊपर बनाया हुआ है तो इसके अंदर जो ये छोटे-छोटे डिजाइंस -छोटे है ना ये अलग अलग मटेरियल से बने अलग अलग स्टोन्स के हैं तो यहाँ पर रेड स्टोन हो गया ये देखो थोड़ा हल्का ब्लूइश है हल्का येलोइश है तो थोड़ी पेंटिंग थोड़ी कारीगरी और थोड़े डिफरेंट टाइप के स्टोन्स को स्टोन्स कुड भी प्रेशियस सेमी प्रेशियस उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर डेकोरेटिव आइटम बनाया गया तो दिस होल डेकोरेटिव प्रोसेस इज नोन एज पेटा दूरा ठीक है सो पेटा दूरा राइट एंड द वेरी फेमस इज योर इंटिकेट जाली वर्क अभी जाली वर्क का क्या सीन है ठीक है सो वन ऑफ द वेरी फेमस आर्किटेक्चर इन इंडो इस्लामिक वॉज जाली वर्क विद ब्यूटिफुल डिज़ाइंस इन साइड ठीक है जाली वर्क हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन इस्लाम ठीक है मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेन्टेनिंग द थर्मल वेंटिलेशन एंड कम्फर्ट तो ये हमने कई जगह देखा होगा अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाओगे ना तो जाली वर्क वॉज वेरी कॉमन तो एक पूरा ऐसे वॉल पे जो बनाया जाता है उसको उसको ब्रेक करके प्रॉपर वेंटिलेशन के हिसाब से डिजाइन के साथ आपका जाली वर्क दिया जाता है सो दैट इट कैन अकोमोडेट मतलब बोथ एक डिजाइन के तौर पे भी उसको आप यूज कर सकते हो प्लस इट कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन ठीक है सो so, <coughs> जाली वर्क हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस इस्लाम मोर ओवर इट इज ऑल्सो मेंटेनिंग द थर्मल वेंटिलेशन एंड कम्फर्ट ठीक है ये फोटो चुपकाई है तो बेसिक आउटलाइंस ठीक है इसके अलावा जो जो भी हमने चार डिस्कस करे जिसमें पेड़ दूरा हो गया ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो गया अरबस और कुफी हो गया इसके अलावा आपके जो बिल्डिंग के प्रेमाइसिस पे गार्डन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना गार्डन ठीक है एंड वाटर बॉडीज ये दोनों ही प्रोसेस भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्यूजन के दौरान ही इंट्रोड्यूस करे गए थे इंडिया में तो वही मेंशन इधर इन साइड द प्रेमाइस ऑफ बिल्डिंग मेनी वाटर बॉडीज वॉज ऑल्सो क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन्स पॉन्ड्स एंड ड्रेन्स ठीक है

तीसरा है आपका जियोमेट्रिकल डिजाइन चौथा है आपका जालीवर्क पांचवा है आपका ओ, 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 वाटर बॉडीज ठीक है और छठा है आपका गार्डन्स ठीक है ना तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस थे इसके अलावा मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन इन आर्किटेक्चर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन विद द फ्यूज मतलब इन इं इंडो इस्लामिक फ्यूजन ठीक है इसके अलावा मटेरियल का हमने डिस्कस करा अभी इससे पहले जो था वो सारा रॉक के बेसिस पे था और अब इसके अंदर आपका वाइट मार्बल ठीक है रेड स्टोन ठीक है ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चेंज हुए तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेसिक इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट लेक्चर में वट विल डिस्कस विल डिस्कस द दिल्ली सल्तनत इंपीरियल आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनासिटी से और एंड करेंगे तुगलक पे तो स्लेब्स सैयद खिलजीस ठीक है लोढ़ीस तुगलक ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर था जो नेटिव रूरल्स थे बंगाल जौनपुर मालवा और बीजापुर इनके भी हम जो आर्किटेक्चर्स हैं वहाँ के लोकल और जो स्पेशल थे उनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेसिक इंट्रोडक्शन इन व्हाट विल बी कमिंग क्योंकि अब हमने जो टेंपल वाला आर्किटेक्चर था एंशियट आर्किटेक्चर था स्तूपा स्कल्पचर्स पेंटिंग्स वो सारी चीज़ें हमने अब हटा दी पोर्ट्रीज वगैरह एंड नाव वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंडो इस्लामिक और फिर इसके बाद हमारा ब्रिटिश आएगा राइट सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे फॉर नेक्स्ट लेक्चर इट विल भी दिल्ली सल्तनत ठीक है एंड प्रोविशलियल आर्किटेक्चर कीप स्टडिंग कीप वर्किंग हार्ड थैंक यू ऑल एंड आई एल सी यू द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक केयर